भाई हमारी वेन्यू है जो फर्स्ट प्लेस पे है, और सेकंड प्लेस पे हमारी दो कार्स हैं, और ये है तीसरे नंबर की कार। और भाई इतनी सारी कार्स, सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में भाई। ओके तो शाउट आउट पहले मैं बता देता हूँ एज यूजुअल, जैसे मैंने कल बताया था, ये है भाई गोल्ड पांडे वाइटी पांडा वाइड वर्ल्ड बेस्ट गेमर इसी स्पोर्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो भाई को। और दूसरा शाउट आउट है भाई हमारे दो भाइयों को जो कि ये है भाई, ये देखो पहला तो है ओपी इंट्रो, थैंक यू भाई मेरा इंट्रो आपको अच्छा लगा। और दूसरा भाई दिल से लव यू ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे भाई, तो थैंक यू यार, लव यू टू। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेटअप, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है हमारी सारी इंडियन कार्स, ठीक है, इनको हमारे को यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहले तो यहाँ पर लेके आना, ये है स्टार्ट लाइन, और यहाँ से 100 तक की स्पीड तक लेके जाना भाई, समझ लेना पहले 100 तक की स्पीड में, यहाँ आ गए कहीं भी आए गाड़ी वहाँ तक ले करके जाना है हमें। और फिर बाद में इंस्टेंट ब्रेक लगाना है, और जो गाड़ी जहाँ पर जाकर रुकी हम वहीं उसको खड़ी कर देंगे, और उसको फिर प्लेस दे देंगे कि ये गाड़ी यहाँ तक पहुँची है या फिर इस इंजन का पिकअप यहाँ तक का है। तो गाइस आप आई होप आप समझ गए, नहीं समझे तो एक बार इस कार से आप और समझ जाओगे। तो देखो मैंने स्टार्ट कर दिया, अब 100 मतलब 95 105 तक मैं ब्रेक लगा दूंगा, और देखो यहाँ आके ये कार रुकी है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ खड़ा कर दूंगा, तो समझ गए होंगे किस कार में कितना पिकअप है, कितना मतलब वो आगे तक जा पाएंगी, और उसकी ब्रेकिंग व्रेकिंग सब पता लग जाएगा किस कार का इंजन वो है। तो एक मिनट मैं पहले वापस कार्स के पास चल। ऑलराइट भाई, तो आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब का आज का सेटअप है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई वो थी हमारी स्विफ्ट जो कि वहाँ जाके रुकी है, अब देखते हैं सेकंड कार, पहले मैं यहाँ तक लेके आऊँगा कार को। ऑलराइट यहाँ से पूरा थ्रोटल देते हुए मैं इस कार को ले करके जाऊँगा, ये देखो भाई, और जैसे 100 या 95 या 105 तक पहुँच जाएगी तब मैं ब्रेक लगा दूँ। ओके तो भाई देखो मैंने ब्रेक लगा दिया है, और ये देखो यहाँ पर आके इसके ब्रेक लगे हैं, मतलब उस कार से भी आगे। तो भाई इस हिसाब से मतलब कई लोग टेस्ट करते हैं 0 to 100 का, फिर उसके अलावा करते हैं 0 to 100 फिर मतलब ब्रेक्स का सॉरी। तो भाई मैं दोनों एक साथ ही करके बता रहा हूँ, वहाँ तक गाड़ी का पिकअप देख लो, उससे तो अच्छा ही है। चलो तो इसको खड़ा करके ला के दूसरी कार को। लेट गाइज, तो अब बारी है, ये है हमारी होंडा की सिविक, और गाइज एक बार इसमें मैं आपको ब्लास्टर्स बता दूंगा भाई, उस उन कार के बजाय इसका थोड़ा ठीक लगता है मुझे, बट यार अब तो आगे पता चलेगा। मैं आपको पहले देखो इसके ब्लास्टर बताता हूँ भाई, बहुत मतलब अच्छे लगते हैं इसके, ये देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। ऑलराइट तो ये पूरा थ्रोटल देके हम लेकर के चलेंगे हमारी कार को। तो भाई ये देखो फर्स्ट गियर इसने लगा लिया, सेकंड में आ गई है कार हमारी, और भाई 100 ओके टच कर दिया 100, तो ये देख सकते हो भाई उससे भी अच्छा है, मतलब मैंने सॉरी i20 के टाइम अच्छा बोल दिया था, मतलब हमारी स्विफ्ट से भी बेकार है हमारी i20 का पिकअप। और भाई अभी तक की तीनों कार्स में से विनर है हमारी जो ये होंडा की सिविक है ये। ऑलराइट तो इसको खड़ा करते हैं, लाते हैं दूसरी कार को। ऑलराइट भाई, तो अब बारी है, ये है हमारी ह्यूंडई की ओरा, और भाई उनमें से ज़्यादा मतलब स्पीड बहुत जल्दी पकड़ लेती है कार, उनसे अच्छा पिकअप मुझे लगता है भाई इसका। और देखते हैं भाई, ये देखो यहाँ से पूरा थ्रोटल देके स्टार्ट करेंगे हम, और ये दे दिया मैंने थ्रोटल, और भाई देखो कितनी जल्दी अच्छे से, और ये देखो इसने 100 पकड़ लिया, और भाई यार मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार इस कार के लिए, तो कितनी जल्दी इसने 100 क्रॉस कर दिया, तो कितना इंस्टेंट इसने ब्रेक लगा लिया, आप देखो कितना डिस्टेंस है उन तीनों कार्स में से। तो ये हमारी नई कार है जो कि विनर, चलो लाते हैं दूसरी कार को। तो भाई हमारी जो ग्राउंड क्लियरेंस कम था जिन कार्स का, वो कार्स हो गई है ख़त्म, और अब है हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बारी, उसमें से पहली कार है हमारी डस्टर। तो भाई इसका देखते हैं ये कब तक जाकर के 100 मतलब इसकी स्पीड 100 होती है, और फिर मैं इसको ब्रेक लगा के रोकूंगा तो कहाँ जाके रुकती है। तो अभी तक देख लो भाई सारी कार पार हो चुकी है, अभी भी 100 नहीं गई, वो भाई 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 यार मतलब यार इसमें देख लो कितना लंबा डिस्टेंस है भाई, हमारी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो तो इन सेडान कार्स को भी भाई मतलब यार बहुत बेकार इंजन है हमारी डस्टर का अभी तक का। तो मैं इसको खड़ा करता हूँ और लाता हूँ दूसरी कार को, ये तो मतलब एक तरीके से फुल्ली फेल हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी है हमारी दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी की, और ये है भाई अपनी किया की सेल्टोस। और भाई ये भी मतलब ये कार हमारी 4x4 में है, वैसे तो सारी कार्स 4x4 में है, बट यार इसका मेरे को थोड़ा सा लगता है कि उससे तो अच्छा ही परफॉर्म करके बताएगी भाई ये। ऑलराइट तो भाई इसको देते हैं थ्रोटल और स्टार्ट करते हैं, और ये देख सकते हो भाई मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। ऑलराइट तो भाई अभी तक तो 70 80 भाई, और ये 100 क्रॉस, ओ भाई
ये देख लो भाई, ये दो ये कार हमारी इन दोनों कार्स के बीच में आके रुके, तो भाई हमारी जो i20 थी उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने, मुझे जैसा पता ही था। ऑलराइट, तो इसको यहीं खड़ा करते हैं, लाते हैं हमारी दूसरी कार को। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी है हमारी हुंडई की वेन्यू। और गाइस, जैसे कि हमारी की उसमें सॉरी i20 में और स्विफ्ट में जो कार वो ओरा बेस्ट थी ना, वैसे ही मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी में बेस्ट कार मानता हूँ इस कार को। और देखते भाई ये कितना जल्दी या कितना लेट जो भी है वो आपको भी पता चल जाएगा। देखो मैंने थ्रोटल से इसको स्टार्ट कर दिया है और भाई ये देखो, ओ भाई ये देख सकते हो भाई 95 क्रॉस चल गई थी, मतलब 100 ही मान लो यार एक तरीके से। और भाई इतनी जल्दी जागे और इतना जल्दी फटाफट ब्रेक लगा लिया इसने, तो भाई अभी तक की सब कार्स में से विनर कार है यही। तो भाई ये देखो मैं थोड़ा सा आगे खड़ी करता हूँ क्योंकि ये आगे रुकी थी, तो भाई 95 और 105 के बीच में आसपास आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो अब ये आ चुकी है हमारी चमचमाती ऑरेंज कलर में हमारी लास्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी। और भाई ये हमारी हुंडई की क्रेटा, भाई ये देख सकते हो ये भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और भाई इसका भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि ये कितना परफॉर्म करके बताती है, मतलब कितना कितनी कार से आगे जा पाती है या नहीं जा पाती है। ऑलराइट, तो भाई मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ओके, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, ये देख सकते हो भाई 80 प्लस जा चुकी है और ये भाई 90 प्लस चल चुकी थी हमारी कार 95 के आसपास 97 के आसपास। तो देखो यहाँ आके थोड़ा सा आइडिया आप समझ जाना कि ये जो हमारी स्विफ्ट है इसके पीछे आके रुकी है हमारी कार, तो आप समझ सकते हो भाई इतना तो चलता है यार। तो यहाँ इसको खड़ी कर देते हैं, लाते हैं दूसरी कार को, ये हमारी स्विफ्ट तक आके रुकी है, तो मैं इसको यहीं इसके पीछे जस्ट खड़ा कर दूंगा जहाँ वो आके रुकेगी। ओके, तो लाते हैं दूसरी कार को। ऑलराइट भाई, तो अब बारी आ चुकी है हमारी एसयूवी कार्स की। और भाई ये है हमारी महिंद्रा की थार 4x4। और भाई ये तो एक भारी भरकम कार है, बट देखते हैं यार ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं भली 0 to 100 मतलब स्पीड विस्पीड वगैरह, ये ऑफ रोडिंग या फिर क्लाइंबिंग इन सब चीज़ों के लिए बनी है कार। बट देखते हैं यार, ये भी हमारी एक इंडियन कार है। और ये देखो भाई 100, ये देख लो भाई 103-104 के आसपास रोकी थी मैंने, तो ये देखो हमारी स्विफ्ट से थोड़ा सा आगे जाके रुकी है। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यार ये भारी भरकम कार है, इससे इतना एक्सपेक्ट करना भी कोई बड़ी इशू नहीं है। तो यहीं खड़ा करते हैं, लाते हैं दूसरी कार को। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी आ चुकी है, ये है हमारी फॉर्चूनर। और भाई ये भी एक मतलब लंबी चौड़ी कार है, भारी भरकम। और भाई देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या रहता है। तब तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग। और ये देख सकते हो ये है हमारी फॉर्चूनर, थ्रोटल दे दिया है मैंने और स्टार्ट करते हैं भाई। ये देख सकते हो भाई हमारी कार ने पिकअप उठा, ओ भाई साहब 81 भाई हमारी कार्स तो, ओ भाई ये देख सकते हो मतलब दोनों कार आसपास ही है, ये मतलब इसके पीछे खड़ी करूँगा मैं क्योंकि यार ये है ना हमारी i20 और थार दोनों के मिड बीच में इसका जो व्हील है ना वहाँ आके रुका है, तो मैं गाइस बीच में ही खड़ी करूँगा, कोई चीटिंग नहीं होगी फालतू। और भाई देख सकते हो यहाँ तक पहुँची हमारी कार, तो भाई जैसे कि थार के आसपास ही है भाई दोनों चीज़ों की, दोनों कारों की। चलो लाते हैं दूसरी कार को। ओके भाई, तो बारी आ चुकी है हमारी ऑल ब्लैक हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 की। और भाई देख लो गाड़ी की धाड़। और भाई ये देख सकते हो भाई, मैं इसको पहले ट्रैक पे ले आता हूँ और भाई इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, और देख सकते हो भाई यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, ये देख लो पहले ब्लास्टर इसका भी, भाई ये देखो मैंने स्टार्ट कर दिया और भाई ये इसमें पावर है भाई, भाई 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 देख लो, ओ भाई साहब ये देख सकते हो आप, ये कार्स के आसपास जाके रुकी है, मतलब इस कार के भाई हमारी जो एसयूवी थी ना और उससे तो बढ़िया परफॉर्म किया है हमारी महिंद्रा की थार ने, ओ सॉरी महिंद्रा की स्कॉर्पियो ने। ऑलराइट, इसको यहीं खड़ा करते हैं, लाते हैं दूसरी कार। ऑलराइट भाई, तो अब पहले हम लेके चलते हैं हमारी टोयोटो की इनोवा क्रिस्टा। और भाई इसका इंजन उस तरीके का पावरफुल नहीं है जितना मतलब है ना, होना चाहिए उतना है नहीं, बट देखते हैं यार क्या होता है। देखो आगे आपको पता लग ही जाएगा, मैं थ्रोटल दे दिया है मैंने और स्टार्ट करता हूँ मैं, ये देख सकते हो थ्रोटल फुल थ्रोटल के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ और भाई देखो कितने निशान हो गए टायर्स के। ओके, ये देख तो भाई ये देख सकते हो अभी तो 70-80 भाई हमारी, ओ भाई साहब ये देख सकते हो 100 पहुँच गए, 100 पहुँचते मैंने जैसे ब्रेक लगाना भाई यहाँ आके हमारी कार रुकी, तो ये सबसे लास्ट कार है जो कि यहाँ आकर के रुकी है। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ खड़ा कर देता हूँ और लाता हूँ दूसरी कार को। ऑलराइट गाइस, तो बारी आ चुकी है हमारी ओल्ड फॉर्चूनर की। और भाई ये तो पावरफुल कार है इतना तो मुझे पता है क्योंकि गाइस ये पिछली वीडियोज़ में इसने बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करके बताया, तो गाइस इसको तो नो डाउट ये बहुत अच्छी कार है। और देखते फिर भी भाई ये कितनी स्पीड पे, ये देखो मैंने इसको थ्रोटल दे दिया है और गाड़ी ने स्टार्ट कर दिया, ओ भाई देख लो 100 पहुंच गई भाई, ये देख सकते हो हमारी ओरा से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मुझे तो, ये एक्स
एक्सपेक्ट नहीं था भाई इससे कि बिल्कुल भी कि ये कर जाएगी, बट यार देख सकते हो ओरा से भी अच्छा, ये सेकंड नंबर की कार है। ओके तो मैं लाता हूँ दूसरी लास्ट कार। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी है हमारी फोर्ड की एंडेवर की। और भाई इसके टायर पहले मैं आपको बता दूँ स्किट करते हैं, देखो मैं आपको देखो भाई कितने स्किट करते हैं। बाद में आप मुझे ये मत बोलना कि यार आपने फॉर्चुनर को जिता दिया, आपने चीटिंग कर ली है वो वगैरह वगैरह। पिछली वीडियोज़ में मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे कुछ, तो भाई मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं है भाई इनसे। देखो आप पहले तो ये इसको ये देख लो भाई, ये आपके सामने भाई 102 पे जाके मैंने रोकी है कार को, और भाई यहाँ तक पहुँची हमारी कार। मतलब ये तीसरे नंबर की, मतलब थर्ड नंबर पे आती है विनिंग में। तो भाई मैं बोल रहा था कि मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं रहती है भाई कार से, भाई ये एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई जाती है वीडियो, तो आप इसको दिल से मत लिया करो यार, क्योंकि भाई ये मतलब एक एंटरटेनमेंट है। तो भाई फर्स्ट कार वो थी, दूसरे नंबर पे ये दोनों कार, और तीसरे नंबर पे, और ये भाई देख लो इतनी सारी कार्स का जो इंजन सस्पेंस मतलब इंजन टाइप है ना, ये एक है भाई, देख लो हमारी स्कॉर्पियो स्विफ्ट और ये वगैरह वगैरह। और भाई ये हमारी तीन कार्स है जो कि एक साथ है, और भाई वो लास्ट में वो हारने वाली कार्स, उनको तो आपको पता ही, क्या बताऊँ। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को माइकल क्या करना है सब्सक्राइब जरूर कर देना।